हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग एनर्जी चेक फॉर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, तो आपकी और आपके डीएम की, ठीक है, क्या एनर्जी चल रही है, सब कुछ देखेंगे आज हम। आई होप सो आज एनर्जीज बहुत अच्छी आए, यूनियन वाली एनर्जीज आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने ही शफल करूंगी मैं फॉर श्योर। सबसे पहले हम आज आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनेंस हमारी वीडियो को देख रही हैं, उनकी हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, करियर के अंदर मंदी चल रही है किसी तरीके की। बिल्कुल, अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस मंदी के समय की वजह से ना मैं अपनी किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। ओके, हैरोफेंट, हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हो। फिर है हमारे पास जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो भाई यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फूल का कार्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि काफी समय से आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सैड हो, बट डीएम की वजह से नहीं, अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा, ठीक है, अपने करियर को लेकर के सैड हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं चीजें आगे बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ेंगी भी या नहीं बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। जैसे आपने कोई काम करने के लिए कदम उठाया और वो फिर से डिले हो गया, ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरे को यहाँ पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो आप एक तरीके से किसी तरीके के लीगल इश्यू में भी फंसे हुए मेरे को लग रहे हो। हो सकता है किसी तरीके के लीगल इश्यू में आप फंसे हुए हो, ओके, और उससे बाहर नहीं आने की वजह से आपकी ये वाली कंडीशन चल रही हो, मेंटल स्टेट, ठीक है जी। ओके, तो कुछ कार्ड्स और चेक करते हैं यहाँ पे। अपने डीएम को जाकर के कोई मैसेज वगैरह करने की कोई जल्दी नहीं चल रही है आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा शांत और अच्छी वाली एनर्जीज में चल रहे हो आप लोग। आपके मन में ये नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, चलते चले जा रहे हो, खुशी के अंदर चलते चले जा रहे हो। और कार्ड है हमारे पास करेज, मैंने कहा चलते चले जा रहे हो, करेज का कार्ड आ गया, ठीक है जी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे यूनियन बहुत करीब है। फिर है हमारे पास यूनियन के नाम पे लवर्स, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर आपके आज भी खैर भावनाएं तो हैं ही और हमेशा रहेंगी, वो तो खैर खत्म हो नहीं सकती हैं, लेकिन अब आपने ना डील करना सीख लिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी हद तक जितनी भी डिवाइन फेमिनेंस हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो वीडियोस देख रही हैं, ज्यादातर वीडियोस डिवाइन फेमिनिन ही देख रही हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि आप लोगों ने ना अपनी जितने भी ट्रॉमाज हैं, चाहे चाइल्ड हुड ट्रॉमाज हो, चाहे इशूज हो, चाहे एंगर इशू हो, फ्रस्ट्रेशन, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अब आपने सोचा है कि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। एंड द कार्ड इज हार्मनी। वाओ, मैंने बोला था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड आएंगे भाई रिकंसिलिएशन वाले। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखोगे, न्यू विजन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होने को है, मेरे प्यारे क्यूट एंजल्स। चलिए इस इन कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ मैं क्या एनर्जी आपकी चल रही है। ओके, अट्रैक्शन, हाँ जी, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन तो खैर कभी खत्म होने को ही नहीं है। फिर है हमारे पास यहाँ पे लेट गो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यानी कि आप अपने दोस्तों की मदद ले रहे हो, या तो या फिर आपको मदद लेनी चाहिए आगे चल के। फिर है हमारे पास कार्ड कीप एन ओपन माइंड, यस, यानी कि जो कि वही जो मैं आपको बोल रही थी कि यूनियन होने को बहुत
बहुत कम समय रह गया है गाइस, और आपको अपना जो माइंड है ना वो ओपन रखना है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आ रहे हैं अब। वाह, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारी डिवाइन फेमिनेंस देख रही है उनको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी डियर, कि चाहे कोई सा भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, आपको पॉजिटिव रहना है। इफ अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना तो दिक्कतें आ सकती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। अपने करियर को लेकर आप अभी अभी फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अपने करियर को लेकर के भी परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ओके, क्योंकि अगर हम लाइफ के एक एस्पेक्ट में नेगेटिव होते हैं ना, तो दूसरे एस्पेक्ट में अपने आप नेगेटिविटी पहुंच जाती है। ठीक है जी, तो ये है डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी। अब मैं ना डिवाइन मैस्कुलिन्स की देख लेती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। तो यानी कि सही है, सही है, टारगेट सही है। और आज अब अगर डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज खैर आएंगी ही, बट साफ सुथरी भाषा में अगर पॉजिटिव और ऐसी आई ना कि हाँ जी बस आ रहे हैं अब, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ इतने दिन से कि भाई अक्टूबर के अंदर ना आप लोगों का यूनियन होगा, बहुत लोगों का। डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं प्लीज बताएं, डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बॉय एंजल्स। करियर के अंदर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स करियर स्ट्रगल, क्योंकि जो काम आप करोगे ना वो काम वो अपने आप करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। फिर है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, करियर को लेके बहुत ज्यादा स्टक चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करूं मैं। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स झांक रहा है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। फिर वाओ, हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। देन वी हैव द सन, यस, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोगों का यूनियन होता है, सीरियसली, सच में, दिखावा नहीं है, सच बता रही हूँ। हाँ, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, देख लीजिए, स्टेप लेने को तैयार हो रहे हैं। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि काफी समय से परेशान चल रहे हैं, अपने करियर को लेके परेशान चल रहे हैं, शायद इसीलिए किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। चाहे कोई भी इशू हो, फैमिली का इशू हो, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी तरफ वो इसीलिए नहीं आ पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस करियर, बिकॉज ऑफ दिस करियर। वन टू थ्री कार्ड्स, एंड देखो, वन टू थ्री कार्ड्स पॉजिटिव, थ्री कार्ड्स फॉर करियर एंड थ्री कार्ड्स फॉर मैरिजेस, तो डेफिनेटली ये साइकिल खत्म होने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस। वाओ, यानी कि टेम्परेंस कार्ड इज फॉर रिकन्सिलिएशन, एंड डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने को है। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अपने करियर एस्पेक्ट में नेगेटिव होना बंद कर दो। ठीक है, तो अगर करियर में नेगेटिव हो रहे हो या जिस भी चीज में थोड़े से भी नेगेटिव हो रहे हो ना, नेगेटिविटी छोड़ दो और खुश होना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए मैं देख लेती हूँ। वाओ, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी न्यू विजन। ये हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया था फॉर डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन मस्कुलिन के लिए भी आ गया। इसलिए कहते हैं कि आप लोग होते हो मिरर्स। देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। हाँ जी, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि बस बहुत याद आ रही है उनको। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड, एडवेंचर। ओके, आपके साथ एडवेंचरस लाइफ बिताना चाहते हैं वो। ठीक है, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो है वो मैं आपको दिखाऊं, तो हमारे पास है एक नेगेटिव कार्ड जो कि है गिल्ट, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। डेफिनेटली अब उनको क्या है, गिल्ट होना शुरू हो गया है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, चाहे उन्होंने आपका साथ किसी चीज में दिया या नहीं दिया, जो भी सिचुएशन रही, लेकिन उन्होंने गलत किया, बिकॉज उनको स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे इनकम की वजह से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, भाई उन्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अब उनको समझ में आने लग गई है ये बातें। ठीक है, फिर है हमारे पास प्लेफुलनेस। दे आर मिसिंग यू डेफिनेटली। ओके, एंड देन एक कार्ड और, एक कार्ड और, एक कार्ड और, फाइनेंसेस एंड करियर। सी,
अब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस एंड करियर ही रह गया है गाइस। अगर आप इस चीज को सोच लो ना कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने में ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि देखो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है रिकन्सिलिएशन। फोकस कर लो भाई, ठीक है, रिकन्सिलिएशन। तो और अभी भी आप अपने पार्टनर को लेकर के नेगेटिव हो, या फिर अभी भी आप अपने करियर को लेकर नेगेटिव हो, तो प्लीज होना बंद कर दो। प्लीज, हार्मनी होने वाली है भाई, होने वाली है, ठीक है जी। और इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी चेक करूंगी मैं, ठीक है, कि अभी एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों से वीडियो रेजोनेट करे। आई जस्ट वॉन्ट इट, यू मेक मी फील अलाइव। उनको ये चीज पता है। फिर है हमारे पास, यू आर ऑनेस्ट विद मी, यू आर ऑनेस्ट विद मी। देन वी हैव, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। पता नहीं क्यों कैमरा फोकस नहीं करता है कई बार, है ना। फिर है हमारे पास, यू मेक मी स्माइल, ठीक है। अब मैं कुछ अपने हैंडमेड मैसेजेस भी चेक करूंगी। ओके, सो ही वी हैव 1, 2, 3। तो हो सकता है आप लोगों का वो हो, ये मंथ हो, ठीक है। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, जो कि चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि वो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ यू। बहुत गलत बात है, अब मत करो उनको नेगेटिव, ठीक है। यू आर ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, रोमांटिक, ठीक है। आई रियली लव यू, ओ माई गॉड, आई रियली लव यू। हाँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए परेशान है वो। आप नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो उनको वहां पे जाके, ठीक है, बहुत गलत बात है ये। फिर है हमारे पास कॉफी और लंच। हाँ जी, बहुत जल्दी आ रहे हैं ये, ठीक है। सोलमेट का कार्ड भी है हमारे पास में। देन वी हैव सोल यूनियन। सी 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 सी, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, ये अक्टूबर मंथ आ ही रहा है ना, ऐसा मैंने बोला था जी। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। ओके, और लास्ट हमारे पास है, यू लेट मी विन एवरी टाइम। हाँ, इनको ये चीज पता है कि आप हमेशा इनको जीतने देते हो, ठीक है जी। तो बस प्लीज 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 पॉजिटिव रहो। और एक और है हमारे पास, सॉरी ये गिर गया था इधर साइड में तो मुझे दिखा नहीं। हमारे पास है एक और, कभी कहीं दूर चले, चलो हम तो बहुत दिनों से तैयार है है ना गाइस, हम तो बहुत दिनों से तैयार है। तो गाइस, ये है आप लोगों की ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेक। आपकी एनर्जीज भी बहुत सही चल रही है, बस करियर को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो, और उनके पास में भी करियर को लेके ही स्ट्रेस है। इसलिए देख लो यहाँ पे कितनी ज्यादा रेजोनेटिंग है आपस में, इसी वजह से प्रॉब्लम है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो, तो वो भी अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अब वो आपके पास आ रहे हैं किसी तरीके का कोई प्रपोजल लेकर के, किसी तरीके का कोई आपको हारमोनियस कुछ अच्छा सा ऑफर करने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और आज देखना चाहूंगी कि आखिरकार ये आएंगे कब तक, ठीक है, अक्टूबर में ये कब तक आएंगे। लेट मी चेक, माय गॉड, मैं व्हील ऑफ फॉर्चून ही सोच रही थी, और व्हील ऑफ फॉर्चून का एक कार्ड आ गया। डेफिनेटली ये डिवाइनिंग टाइमिंग होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होगा ना अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में, या तो स्टार्टिंग में होगा फर्स्ट वीक या फिर फोर्थ वीक, ठीक है, सेकेंड थर्ड वीक में होंगे यूनियन, पर कम होंगे। फर्स्ट वीक में ज्यादा होगा और लास्ट वीक में ज्यादा होगा। एंड जो चीज आप लोग मुझसे काफी दिनों से पूछ रहे हो कि मैम आप क्यों कह रहे हो कि अक्टूबर में बहुत लोगों के यूनियन होने वाले हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज 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 जुपिटर का रेट्रोग्रेड खत्म हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक
ठीक है, और काफी लोगों के यूनियन होने वाले हैं, और वही कार्ड इतने प्यारे आए हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं ना, ज्यादातर लोगों ने अपना हीलिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब फाइनल रिजल्ट है कि आप लोग यूनियन में आओ। अच्छा, एक चीज के लिए मैं आप लोगों को वॉर्न कर देती हूँ कि जब हमारा यूनियन होने वाला होता है ना, तो डेमोनिक पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि अच्छाई बढ़े, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ रोमांटिक जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। और इसके अंदर क्या होता है ना कि जब आप दोनों एक साथ आ जाओगे, रियूनियन मतलब यूनियन के अंदर आ जाओगे, सॉरी रियूनियन नहीं बोलूंगी, यूनियन के अंदर आ जाओगे, तो क्या करोगे? एक दूसरे से प्यार करोगे, जो करोगे दुनिया के लिए भी अच्छे अच्छे काम करोगे। आप जब दुनिया के लिए अच्छे काम करना शुरू कर दोगे, तो आपको पता है डेमोनिक पावर्स कम होने शुरू हो जाएंगे, और भाई कोई चाहेगा ही क्यों कि वो कम हो जाए, ठीक है? तो इसलिए वो तरह तरह के इल्यूजन पैदा करेंगे, नेगेटिव स्टेट माइंड में लेके आएंगे, स्ट्रेस लेके आएंगे, काम का प्रेशर बढ़ा देंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो बस पॉजिटिव रहो, यूनियन होने को है। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, तो पानी को अफम करके पिया करो। अभी काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पानी को अफम करके कैसे पीना है। सिंपल पानी लो, ठीक है, उसके अंदर जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करो, और उस पानी को ये बोलो कि पानी, मुझे पता है तुम अंदर जाके मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हो, लव यू बहुत सारा वाला, थैंक यू सो मच, ठीक है? पूरी इंटेंसिटी के साथ उसको थैंक यू बोलो कि सच्ची में मतलब जाते के साथ पॉजिटिविटी देने वाला है, ठीक है? तुरंत, मतलब हमेशा का मेरा आजमाया हुआ है, मैं जब भी नेगेटिव होती हूँ किसी चीज को लेकर के, आई एम जस्ट डूइंग दिस वर्क ओनली, तुरंत पॉजिटिव हो जाती हूँ, इंस्टेंट रिजल्ट है इसका, ठीक है जी? तो इस चीज को कीजिएगा, लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर यूनियंस, ओके बाय।